Hello students, welcome back to Vibgorian online classes. Myself Kavita Chaudhary. Today I will discuss about types of ovule. मैंने अपने last video में आपको structure of megasporangium या ovule जिसे ovule का दूसरा नाम megasporangium है, इसका structure detail study किया था और embryo sac के बारे में हमने आपको बताया था. आज मैं आपको अलग अलग प्रकार के पौधों में कितने प्रकार के बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं उसकी मैं स्टडी करूंगी. सबसे पहले यहाँ पर हम देख लें कि टोटल ये 6 टाइप के ओव्यूल डिफरेंट प्लांट में मिलते हैं. नंबर फर्स्ट ऑर्थोट्रॉपस, देन एनाट्रॉपस, हेमीट्रॉपस, कंपाइलोट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस एंड लास्ट सर्सिनोट्रॉपस. और मैंने आपको स्ट्रक्चर जो बताया था लास्ट अपने वीडियो में, तो मैंने आपको एक एनाट्रॉपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्राइब किया था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि 90% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, उनमें ये एनाट्रॉपस बीजांड पाया जाता है. एनाट्रॉपस मींस दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल या उल्टा बीजांड. अधिकतर पौधों में यही मिलता है. इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ कि फ्यूनिकल से जो इसकी मेन बॉडी है वो पूरा 180 डिग्री पर रोटेट हो जाती है, तो अधिकतर पौधों में ये एनाट्रॉपस बीजांड मिलता है. एक बार हम लोग इसका स्ट्रक्चर का शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं. फिगर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, मेन इसकी जो ओव्यूल की बॉडी है, दिस इज बीजांड काय या न्यूसेलस. ऊपर की तरफ एक स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल. न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय इंटेग्यूमेंट. इन इंटेग्यूमेंट की संख्या अलग अलग हो सकती है अलग अलग प्रकार के पौधों में. इसका नीचे का पार्ट चला जा एंड स्टाक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल. तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट बीजांड ड्रॉ किया है, दिस इज ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रॉपस बीजांड, दिस इज स्ट्रेट ओव्यूल एंड दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल. प्रिमिटिव मींस लीस्ट डेवलप. तो सबसे जो पहला हमारा है ओव्यूल ऑर्थोट्रॉपस स्ट्रेट ओव्यूल का मतलब ये हुआ कि फ्यूनिकल और इसकी जो मेन बॉडी है न्यूसेलस, चलाजा एंड माइक्रोपाइल, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में होंगे. हम जो ये टाइप अलग अलग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये टाइप हमने इस बेसिस पर पढ़े हैं कि फ्यूनिकल से इसकी जो मेन बॉडी है वो न्यूसेलस या माइक्रोपाइल और चलाजा, इनकी पोजीशन फ्यूनिकल के कंपैरिजन में क्या होगी. तो सबसे पहला है हमारा ऑर्थोट्रॉपस, दिस इज स्ट्रेट ओव्यूल. इसमें हम देख सकते हैं फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलाजा, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में पाए जा रहे हैं. और इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम. क्लियर. सेकेंड एनाट्रॉपस, जो कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट. 90% लगभग पौधों में ये एनाट्रॉपस ओव्यूल पाया जाता है. एंड इसके पहचानने की सबसे आसान तरीका ये, दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल. इन्वर्टेड का ओव्यूल का मतलब ये हुआ कि फ्यूनिकल से इसकी मेन बॉडी पूरा 180 डिग्री पर नीचे की तरफ रोटेट हो जाती है, आप देख सकते हो. और ये ऐसा क्यों हुआ, फ्यूनिकल जो इसका स्टॉक है इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है. ग्रोथ होने की वजह से जो इसकी मेन बॉडी जो यहाँ पर हमें स्ट्रेट दिख रही है, ये फ्यूनिकल से पूरी मेन बॉडी 180 डिग्री पर रोटेट हो गई. 180 डिग्री पर रोटेट हो गई, जिसकी वजह से ये हमें ओव्यूल कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड. तो उससे रोटेट होने के बाद क्या हुआ, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, जो कि ऑर्थोट्रॉपस में कैसे थे, बिल्कुल दोनों अपोजिट एंड पर थे. इतनी तेजी से फ्यूनिकल की ग्रोथ हुई कि पूरी बॉडी 180 डिग्री पर रोटेट हो गई और उसकी वजह से माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक दूसरे के पास आ गए और चलाजा, जैसा कि इसमें भी दिख रहा है, चलाजा अपोजिट एंड पर दिखाई देगा. बीच का स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, दिस इज एम्ब्रियो सैक, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं. एग्जाम्पल इसका लेग्यूमिनोसी फैमिली, मैंने अभी आपको बताया 90% प्लांट में यही मिलता है. और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इस फैमिली के दूसरे प्लांट है जैसे मटर है, चना है, सेम है, सब में इसी टाइप का बीजांड पाया जाएगा. जो हम लोग फिगर भी बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है एलएस ऑफ ओव्यूल, उसमें भी हम लोग यही फिगर ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल. नंबर थर्ड इज हेमीट्रॉपस. इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें फ्यूनिकल की ग्रोथ इतनी होती है
कि ये जो मेन बॉडी हमें न्यूसेलस दिख रही है, ये मेन बॉडी 180 डिग्री पर रोटेट होने की बजाय 90 डिग्री तक इसका रोटेशन होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। इसमें पूरी बॉडी न्यूसेलस जो है वो नीचे की तरफ 180 डिग्री पर रोटेट हो गई थी, इसमें मेन ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल की पोजीशन कैसी है ये बिल्कुल मुझे 90 डिग्री पर इसका रोटेशन दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये हुआ कि माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल, ये दोनों माइक्रोपाइल और चलाजा फ्यूनिकल से एग्जैक्ट 90 डिग्री पर दिखाई देंगे। क्लियर? तो इसे हमें कैसे याद रखना है, हेमीट्रॉपस को हमें इस तरह से याद रखना है कि यहाँ पर रोटेशन जो बॉडी का हुआ है वो 90 डिग्री तक हुआ है, एनाट्रॉपस में जो बॉडी का रोटेशन हुआ है वो 180 डिग्री तक हुआ है। क्लियर? एग्जाम्पल रैनकुलस, रैनकुलेसी जो कि मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है, इस फैमिली के और भी प्लांट है जिनमें ये हेमीट्रॉपस ओव्यूल पाया जाता है। ये कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में हेमी एनाट्रॉपस भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट हुआ था 180 डिग्री तक हो गया था, और यहाँ पर क्या है हेमी एना का मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री का जस्ट हाफ, 180 डिग्री पर रोटेशन नहीं हुआ बल्कि फ्यूनिकल की ग्रोथ हुई, एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई और बॉडी पूरा 90 डिग्री पर आ गई। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 4, कंपाइलोट्रॉपस ओव्यूल। कंपाइलोट्रॉपस है ओव्यूल लगभग हमें 90 डिग्री पर दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो ये फ्यूनिकल या स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है, इस स्टॉक से बॉडी 90 डिग्री पर है लेकिन इस बॉडी में थोड़ा कर्व आ गया है, लेकिन उस कर्व का इफेक्ट एम्ब्रियो सैक पर नहीं दिखाई देगा। और एक चीज हमें और याद ध्यान रखनी है इसमें, ओ जो माइक्रोपाइल है और एम्ब्रियो सैक की पोजीशन वो नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी। देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक फ्यूनिकल से एग्जैक्ट 90 डिग्री पर दिख रहे हैं, कंपाइलोट्रॉपस में फिगर आप देखेंगे नियर अबाउट सिमिलर दिख रहा है कि 90 डिग्री पर हमें बॉडी दिखाई दे रही है, बॉडी में थोड़ा सा कर्व आ जाता है और उस कर्व से जो माइक्रोपाइल है और अंदर जो एम्ब्रियो सैक स्थित है ये नीचे की तरफ बेंड हो जाता है, 90 डिग्री पर ना हो करके माइक्रोपाइल और एम्ब्रियो सैक इट बेंड्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, तो इससे हम इसको पहचानेंगे, दिस इज कंपाइलोट्रॉपस ओव्यूल। एग्जाम्पल चीनोपोडिएसी फैमिली, इस फैमिली में चीनोपोडियम या और भी दूसरी फैमिली कपारिडेसी, इन फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें ये कंपाइलोट्रॉपस ओव्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट है एम्फीट्रॉपस। एम्फीट्रॉपस ओव्यूल दिस इज आल्सो इन्वर्टेड ओव्यूल, लेकिन इसमें बॉडी में इतना कर्व आ जाता है कि उस कर्वेचर का इफेक्ट अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक पर पड़ता है। जैसे ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से बॉडी ये बेंड होती जा रही है, क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि फ्यूनिकल की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, उसका इफेक्ट इस मेन बॉडी या न्यूसेलस पर पड़ता है, तो ये बेंड होगा 90 डिग्री नीचे तक आया और इस बॉडी में कर्व आ जाता है और उस कर्व का इफेक्ट अंदर एम्ब्रियो सैक पर भी दिखाई देता है और एम्ब्रियो सैक हॉर्स सू शेप हो जाता है। ये हॉर्स सू शेप्ड, इज़ क्लियर? ये हमारे बोर्ड एग्जाम में और भी कॉम्पिटिशन के कई एग्जाम हैं उनमें ये पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सैक हॉर्स सू एम्ब्रियो सैक किस तरह के बीजाण में पाया जाता है या दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ ओव्यूल। तो हमें ये याद रखना है एम्फीट्रॉपस को किस तरह से याद रखना है कि एम्फीट्रॉपस ओव्यूल में बॉडी नियर अबाउट इन्वर्टेड कंडीशन में हो जाती है और उसका इफेक्ट बॉडी में इतना कर्व आ जाता है कि उस कर्व का इफेक्ट अंदर स्थित एम्ब्रियो सैक पर पड़ता है और ये एम्ब्रियो सैक हॉर्सू शेप का हो जाता है। एग्जाम्पल इज सिट्रस। सिट्रस मीन्स सिट्रस की जितनी हमारी वैरायटी है, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, इन सब में इस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। क्लियर? लास्ट हमारा सर्सिनोट्रॉपस।
सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में, एक बार इसको फिगर देखने के बजाय पहले इधर समझ लीजिए, ये हमारा स्ट्रेट ओव्यूल था सबसे पहला मैंने जो ऑर्थोट्रोपस बनाया। उसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई कि बॉडी में रोटेशन हुआ और पूरी पूरी बॉडी नीचे की तरफ इन्वर्टेड हो गई 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर रोटेट होने के बाद ये जो बॉडी है वो देन अगेन बिकम स्ट्रेट। क्लियर? फ्यूनिकल की ग्रोथ इतनी तेजी से होती है कि जो बॉडी हमें ऊपर न्यूसेलस स्ट्रेट दिखाई दे रही थी, ये बॉडी पूरी 180 डिग्री पर नीचे की तरफ बेंड हुई, और बेंड होने के बाद ये बॉडी फिर से स्ट्रेट कंडीशन में आ गई। देयरफॉर होल ओव्यूल इज सराउंडेड बाय फ्यूनिकल, क्योंकि ये फ्यूनिकल थी, ग्रोथ हुई, बॉडी बेंड हुई 180 डिग्री पर, बेंड होने के बाद फ्यूनिकल की ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है, बेंड होने के बाद फिर से पूरी बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेट हो गई। क्लियर? जिसकी वजह से हमें पूरा का पूरा ओव्यूल फ्यूनिकल से सराउंडेड दिखाई देता है। एग्जाम्पल इसका कैक्टस या जो ओपुंसिया है, कैक्टस है, उस फैमिली के जितने प्लांट हैं उनमें पाया जाता है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में फिर से रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर फर्स्ट ऑर्थोट्रोपस, दिस इज स्ट्रेट ओव्यूल, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलाजा सब स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे। क्लियर? एनाट्रोपस, दिस इज इन्वर्टेड ओव्यूल विच इज फाउंड इन 90% एंजियोस्पर्मिक प्लांट, पूरी बॉडी फ्यूनिकल से 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से हमें इस ओव्यूल को याद रखना है ताकि हम जब फिगर की प्रैक्टिस करें और इनको हम उनका नाम याद करें या एग्जाम्पल याद करें तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हेमीट्रोपस में फ्यूनिकल से पूरी बॉडी 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी, जो पोजीशन माइक्रोपाइल चलाजा इन सब की पोजीशन फ्यूनिकल से एग्जैक्ट 90 डिग्री पर दिखाई देगी। क्लियर? कंपाइलोट्रोपस, बॉडी इज नियर अबाउट एट 90 डिग्री, बट इसमें क्या होगा, बॉडी में थोड़ा सा कर्व आ जाएगा जिसकी वजह से माइक्रोबाइल एंड एम्ब्रियो सैक इट बेंड्स टुवर्ड्स ही डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। यहाँ पर एग्जैक्ट 90 डिग्री पर हमें एम्ब्रियो सैक और माइक्रोबाइल की पोजीशन दिख रही है। क्लियर? एम्फीट्रोपस हमें किस तरह से याद रखना है, बॉडी इन्वर्टेड हो जाएगी, बॉडी में कर्व आ जाएगा और उस कर्व का इफेक्ट अंदर स्थित एम्ब्रियो सैक पर दिखाई होगा। एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप का हो जाएगा, इससे हमें याद रखना है कि दिस इज हॉर्स शू शेप टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फाउंड ओनली इन एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्लियर? सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस इसमें सबसे पहले बॉडी में फ्यूनिकल में इतनी तेजी से ग्रोथ होगी, बॉडी इन्वर्टेड होगी 180 डिग्री पर, इन्वर्टेड होने के बाद अगेन ये स्ट्रेट कंडीशन में हो जाएगी जिसकी वजह से पूरी पूरी बॉडी फ्यूनिकल से सराउंडेड दिखाई देगी। क्लियर?